अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पबजी का बेहतरीन सा गर्मा गर्म तपता हुआ। आज कहाँ से निकला है? भट्टी से निकला हुआ गेम प्ले लेके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। या इस तरह से मेरी आदत बनती जा रही है कि कंटेंट बोलने के बाद एक बार बोलना है जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो भाई सबसे पहले तो जिन जिन ने सब्सक्राइब कर दिया है, मैंने पिछली वीडियोज में बताया, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपका बेल आइकन ऑन नहीं है दोबारा से उस अनसब्सक्राइब करो चैनल और फिर फ़ौरन सब्सक्राइब करना, तो इंशाल्लाह बेल आइकन ऑन हो जाएगा। वो मेरे चैनल में पीछे पहले कोई मतलब मैंने एक ऑप्शन पे टिक कर दिया था, जिस वजह से यूट्यूब ने मेरा ये जो बेल आइकन वाला ऑप्शन होता है इसको बैन किया था। लेकिन फिर मैंने देखा, समझा, वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो, फिर मैंने ऐसे करा तो वो ऑप्शन अनेबल हो गया, तब आपको नोटिफिकेशन भी आया करेंगे। मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आई नो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जाओ और दोबारा कर दो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। और कमेंट करा करो, आपको एक एक कमेंट बहुत एनर्जी देता है, मज़ा आता है यकीन करो आपके कमेंट पढ़ने में। ऐसा लगता है वाकई कोई बंदा है जो मेरी वीडियोस का इंतजार करता है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत बख्शी, अल्लाह और दे, आमीन। और अल्लाह आप मेरे तमाम व्यूअर्स तमाम सब्सक्राइबर को हमेशा खुश रखे। तो भाई ऐसा था कि हम आए थे ऑफिस और मतलब बहुत बुरा हो गया था कि हॉट ड्रॉप था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भाई हॉट ड्रॉप था, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ भाई बॉट के जो जिसको हमें बुलाते हैं, तो एक बॉट आया इसको मारा। और अब कैंपिंग लेवल लिखना आप 999.9। मिलिट्री बेस में कोई नहीं आया, फ्लेयर्स थी मेरे पास, एक फ्लेयर थी मेरे पास, तो मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था जैसे कर नॉर्मली होता है, तो सामने से स्प्रेन लग गया, मतलब एक बंदा कर रहा था कैंप यहाँ पे, और मुझे फ्लेयर भी यहाँ चलानी थी, क्योंकि अगर मैं आगे जाके चलाता ना तो मसला हो जाता, क्या पता कोई बंदा बंदा रश कर देता और फ्लेयर ना मिलती, क्योंकि अक्सर ये हुआ जब मैंने सोलो में खेला है और फ्लेयर चलाई तो मैं मतलब पूरा मरा हूँ। अभी वीडियो आगे मत करना, क्योंकि अभी बहुत सारा सस्पेंस आने वाला है, बहुत सही किस्म का। तो जोन बन चुका था, मुझे फ्लेयर चलाने थी, लेकिन एक बंदा आ रहा था। हमेशा ज़मीन पे खड़े मत होना जब ये रेलिंग होना, क्योंकि फिर आपको बॉडी शो हो जाती है और आप पे शॉट्स लग सकते हैं, तो हमेशा ईंट पे खड़े हो, जो ब्लॉक की ईंट है ना यहाँ पे। एक ये बंदा था, इसको मैंने नॉर्मली जैसे आ रहा था ये बिल्कुल ही मतलब हल्का प्लेयर था, इसको मैंने मार दिया। और सबसे अच्छी बात ये, नोवो पूरा लूट छान के करके आया था, और मुझे इसके पास से एक और मिल गया फ्लेयर गन। अब मेरी गलतफहमी ये हो गई थी कि नोवो हो चुका है क्लियर, मतलब जो आइलैंड है पूरा बीच के बाद वाला वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि मिलिट्री बेस में मैं था और नोवो में ये बंदा जिसके पास फ्लेयर गन है, तो मैं यहाँ पे पुरसकून होकर फ्लेयर्स चला दी। और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ब्रिज से एक और बगी आ रही है, जो कि एक बहुत बहुत तेज बंदा, बहुत ज़्यादा कुछ ख़तरनाक बंदा है, और नोवो पे बहुत सारे बंदे उतरे थे, फाइट भी यहाँ पे, और चार पांच बंदे भाग के आ गए। एक बंदा यहाँ पे आ गया, उसने मुझे देख लिया और अब वो ले रहा है सामने से गाड़ियों के पीछे से टी पी पी, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। हाँ TPP, ठीक है। प्लीज़ जाके लाइक कर दो, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो, कमेंट करो, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं तो बस यही कह सकता हूँ। बंदा ये मतलब वाकई एक बहुत अच्छा प्लेयर था, और बहुत सही तरीके से उसने मुझे ना मतलब बड़ा मतलब एक शॉट मुझे ऐसे कनेक्ट हुआ। और Kar92 उसके पास स्कोप भी है, तो मुझे आराम से मार रहा है, और अब वो नीचे से मारना शुरू कर देगा, तो मैं समझ गया भाई यहाँ है अब ख़तरनाक। तो यहाँ से सबसे पहले तुम निकलो ऐसे, तो मैं जस्ट zigzag कर करके पहुँच गया। और हमेशा याद रहना, जब भी आप मतलब zigzag करके जा रहे हो ना, और जहाँ आपको पहुँचना हो वहाँ जाने से पहले अपोजिट साइड पे जाना और फिर दोबारा वापस वहाँ जाना, ताकि आप बचे हो। वरना अक्सर ये होता है कि जो एनिमी होते हैं ना वहीं एम करके बैठा होता है जहाँ आपको जाना होता है, और हम सब यही करते हैं। तो ये बंदा शॉट्स ले रहा इस पर, उसके भी शॉट्स कनेक्ट हुए, मेरे भी शॉट्स कनेक्ट हुए, लेकिन किल वो ले गया। तो मेरी दोनों फ्लेयर आ चुकी थी और मैं बेताबला हो गया था। वो उस बंदा पत्थर पे आ चुका है, जो कि मुझे नहीं पता, वो शॉट देता है। मैं यहाँ पे ना फुल मतलब मैं यहाँ पे मतलब हार्ट अटैक हो चुका था मुझे, क्योंकि ये बंदा बहुत सही खेल रहा था। और मसला ये था कि वैसे मैं मर जाता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्लेयर्स चलाई है तो फ्लेयर का तो हक मिलना चाहिए ना हमको। तो वो बंदा सामने वाले पत्थर पे था, नेट वेट कर रहा था, और मैंने बस यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे लगा जिसने मुझे सरवाइव करवाया, वो थी मेरी मेड किट। मतलब मैं हील पे रहा, जैसी हील कम हो रही है मैं फ़ौरन हील कर रहा हूँ। तो अब मैं वापस आया हूँ, ताकि मुझे मतलब मैं बस ये चाह रहा था बस गेम ख़त्म हो रही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको अड़े हुए। अब मैं यहाँ हूँ तो वो मेरी अपोजिट वाली रिच के बिल्कुल पीछे लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे।
तो पहले मैं ये देख रहा था कि इसकी मुझे कंफर्म लोकेशन मिले और फिर जाके मैं बस घुस जाऊँ, जो होगा दिख ही जाएगी। तो मुझे उस लोकेशन में जंप करके सर जी ऐसा मतलब ठा करके इसको मारा, इसको एक गोली चलाने का मौका नहीं दिया अपन ने। उसके बाद प्लेयर्स आ चुकी थी और एक भी नहीं दो दो प्लेयर थी, तो मैं ना हील करते करते आराम से जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि प्लेयर्स के पीछे भी बंदा है। जी हाँ आपने सही सुना, प्लेयर के पीछे भी एक बंदा है। एंड्रेलिन मारा था मैं, पता नहीं इसको क्या कहते, मैं तो एंड्रेलिन बोलता हूँ, एंड्रेलिन 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 जो भी है। तो यहाँ पे मैं जब जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे वो नहीं USZ का हल्का सा ऊपर वाला छत का जो डंडे होते हैं, मुझे वो दिख गए, वो आप लोगों को दिख गए ड्रॉप के पीछे। तो मैं समझ गया बंदा है, मैं जिगजैग करते करते चुपचाप यहाँ पे आके लेट गया। फिर साउंड आ जाता है मुझे कि इस ड्रॉप के पीछे बंदा है, क्योंकि गने भी गिरी हुई थी और मुझे गिलू गिलू सूट भी शो हुआ था। फिर वो साइड पर हो गया, फिर इतनी देर में आ जाती है USZ। इस बंदे ने की हुई थी समन बोन के नशे। जी हाँ ये बिल्कुल सुन के आया हुआ था, उसको कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसको पहले मैंने इतनी शॉट दी 40 गोलियों में, ये मुझे मार सकता था, लेकिन मैं चूंकि इतना कांपा हुआ था तो मेरे बहुत सही तरीके से हाथ पांव कांप रहे थे और मैं इसको स्पॉट नहीं कर पाया सही तरीके से, लेकिन फिर भी किल मिल ही गया मुझे। मैंने ड्रॉप के पास एक नेट किया, नेट थोड़ा सा आगे चले गया इसलिए उसको डैमेज हुआ, वो किल नहीं हुआ। फिर वो मतलब आ जाता है ऐसी क्या मसले हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अब सबसे दुखी दास्तान इस गेम प्ले की, दो ड्रॉप दोनों में ऑम नहीं, दो ड्रॉप दोनों में करोजा नहीं, एक में ओग एक में DBS और दोनों में MK14। लाना आता है भाई चाहिए नहीं। फिर एक आता है बॉट, इसको मारा, मतलब यहाँ मुझे इतना दुख होना यार ये कोई बात है। अब ये देखो ये इसका मुझे ऊपर की छत नज़र आएगी, इतनी जान पे खेल के इतना सब सब कुछ करके हमने मारा और फिर जी मिला क्या कुछ भी नहीं। फिर एक बग्घी को मैं चेस कर रहा था और सीट चेंज करके मैंने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा, पीछे से शॉट आ रहे थे। सर्कल छोटा था और सिर्फ 10 बंदे अलाइव थे, तो मुझे एक ऐसी जगह पे जाना था मतलब जो हाइट पे हो और मुझे हर जगह का एंगल आराम से मिल जाए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और जो बग्गी वाला बंदा होता है वो घूम के यहाँ पर आ जाता है और फिर मुझको मारने की करता है कोशिश। ये बंदा कुछ भी नहीं था, बस उछल बहुत रहा था और इस वजह से बच गया। अब देख रहा सबसे फनीस्ट सीन, जब यहाँ से जोन चले गया तो मैं यहाँ से निकला, पहले मैंने बोला सामने वाले घरों पे चलते क्योंकि ये बिल्कुल बीच में, लेकिन मैंने फिर स्क्वाड हाउस की तरफ नज़र की क्योंकि वहाँ स्क्वाड हाउस पे ना मुझे लग रहा था कि जोन छोटा सा बन ही जाएगा मतलब। तो मैं सीधी जाके मैंने गाड़ी ठोक दी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था बंदा लेटा हुआ ऐसे, इतनी प्यारी कैंपिंग कर रहा है सर, इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और अब हो जाएगी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि 4 किल बचे हैं, मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा था क्योंकि सोलो में जब खेल रहा होता तो आगे पीछे नहीं जाता मैं, चूँकि जाहिर बात है ख़तरा ही है। अब एक सबसे बुरी खबर, जोन जो था वो ड्रॉप मतलब स्क्वाड हाउस से थोड़ा सा आगे बना हुआ था, तो मतलब मुझे ओपन में आना पड़ा और उसके बाद जो जोन था वो और आगे चले गए उन घरों पर, तो मतलब तमाम बंदे उन घरों पर आ गए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेट लेट के इधर उधर कर करके बंदे देख देख के आया और जब टोटल 2 बंदे बच गए, 2 बंदे बचे हैं अब, और उसने मुझे स्पॉट कर लिया कि मैं कहाँ पे हूँ। जोन आ रहा है तो मेरे दिमाग ने बस एक ही काम किया कि मेरे पास 3 स्मोक्स हैं और अब उनका वक्त आ गया यूज़ करने का। तो मैंने जस्ट स्मोक इस तरह करे कि जो सबसे पहला घर है ना मैं वहाँ तक चले जाऊँ, कुछ भी करके बस मुझे वहाँ तक पहुँचना है। देखो अब जोन आगे चले गए, अब स्मोक करे मैंने बहुत सही किस्म के और बंदे ने स्पॉट कर लिया कि मुझे कि मैं कहाँ पे हूँ। 3 स्मोक करो और बिल्कुल एग्जैक्ट स्मोक हुए थे कि मैं आराम से अपनी जहाँ लोकेशन थी वहाँ पहुँच गया और बंदा सामने वाले घर पे। मैंने सारे के सारे नेट भी, अब घर तो लेके जाऊँगा नहीं, मैं नेट कर दिए कि बस जहाँ भी बंदा होगा फट ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो लेकिन भाई बंदा मतलब मैं यहाँ टीपी भी ले रहा हूँ ना, तो वो घर के उस तरफ वाली दीवार के पास ही टीपी भी ले रहा है। मैंने हर जगह मौली वॉली कर दी कि बंदा बस मुझे स्पॉट हो जाए सही तरीके से। अभी यहाँ आपको दिखा होगा कि बंदा हल्का सा ना मतलब थोड़े से उसके एज दिखे बिल्कुल कोने पे से, तो बंदा उस तरफ है मैं इस तरफ, हम दोनों डर रहे हैं। उसके पास DP है, मेरे पास M4S7 का हो, ये देखो उसकी पिंग का अंदाज़ा लगाओ, मैं कवर में आ चुका हूँ और तब भी मेरी वो 30 से 40 हेल्थ खा चुका है और अब वो जल्दी से मैं मेडकिट लगा रहा हूँ, जल्दी उसे रोटेट कर रहा है ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन मैंने भी उसको देख लिया और फिर इस तरह करके हमने कुछ अपने हाथ में लिया, विनर विनर चिकन डिनर 9 किल के साथ। तो उम्मीद है भाई आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि और नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो बहुत सही होने वाली है। और जो दूसरी बात है कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मैं बीटा वर्जन लाऊंगा, बीटा वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसका मसला ये कि उसके जो की मैपिंग है ना वो टेंसेंट ने अभी तक अलाउ नहीं किए हैं,
अब की मैपिंग नहीं होगी तो वो चलेगा नहीं, बंदा चलेगा नहीं तो क्या मैप और क्या वो। और एमुलेटर लॉब एमुलेटर हूँ मैं, एमुलेटर पे खेलता हूँ मैं, तो अगर बंदा भी सामने वाला एमुलेटर पे ही होगा, क्योंकि एमुलेटर के बंदे ना बीटा पे काफ़ी आए ही नहीं हैं, मतलब लॉबी भर जाए इतने बंदे अभी तक आए ही नहीं हैं, 10 या 15 हैं, तो ना लॉबी में बंदे आ रहे हैं ना वैसे बंदे आ रहे हैं। तो बीटा वर्जन एक तरीके से वो वीडियो डाउनलोड कर लिया मैंने, खेलने की कोशिश की, पर की मैपिंग ही सेट नहीं है तो क्या खेलेंगे हम, तो इस वजह से मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब तक टेंशन की मैपिंग अलाउ कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना अपना, और बस लाइक कर देना और कमेंट करना, बस कमेंट प्लीज़ करा करो, कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आपके। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखना अपना, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा।